मौला कहते हैं कि तुमने ये चिड़ियां देखी हैं, छोटी छोटी चिड़ियां आपने देखा सुबह सुबह चहचहाती हैं फजर के वक्त और तुलू आफ्ताब पे खामोश हो जाती हैं। मैंने बहुत ज्यादा इस पे गौर किया और कई मरतबा अगर मैं जाता हूं ना तो लोगों के कैलेंडर्स होते हैं, नमाज के टाइम टेबल होते हैं, अगर इख्तलाफी हो तो मैं उसको नहीं फॉलो करता, चिड़ियों को फॉलो कर लेता हूँ। मुमकिन ही नहीं है सुबह सादिक से पहले बोलने लगे और तुलू आफ्ताब के बाद बोलती रहे। शुरू ही सुबह सादिक पे अव्वल फजर से शुरू करती है। पता नहीं लोग है या नहीं है, पता नहीं लोग है या नहीं है। इंसान गलती कर जाता है, ये चिड़ियां गलती नहीं करती। अब मौला फरमाते हैं कि भाई किसी ने सवाल किया था, कुछ पूछा कि या अली ये इतनी इबादत क्यों, क्या तुमने चिड़ियों को नहीं देखा? रात में आंधी चलती है, तूफान आता है, उनके घोंसले तिनकों के होते हैं, उड़ जाते हैं उसी आंधी तूफान से, घोंसले टूट जाते हैं, तिनके उड़ जाते हैं, और जानती हैं आंधी अल्लाह ने चलाई थी, लेकिन फजर पे कभी ये नहीं कहती अब क्यों तेरी इबादत करूं, का अब क्यों तेरी इबादत करूं, रात तूने मेरा घर तो गिरा दिया। मौला कहते हैं रात में अभी अभी ताजा ताजा घर उजड़ा होता है, सुबह सादिक होते ही तस्बीह फिर शुरू कर देती है, कहती है तमाम तारीफ उस खुदा की, का फिर दोबारा हम शुरू कर देती है, शिकवा नहीं करती। अल्लाह अकबर। मौला कहते हैं जानवर होते हुए, परिंदा होते हुए शिकवा नहीं करती, फौरन तस्बीह शुरू कर देती है। कहा कि मौला मुख्तलिफ जानवरों की आपने निशानियां बताएं। कहा भाई मुझे कुत्ते की एक सिफत बड़ी पसंद है। और से सुनिएगा, मौला अली का जुमला ना होता मैं कभी ना पेश करता। मौला ने कहा मुझे कुत्ते की एक सिफत बहुत पसंद है। मौला क्या? क्या उसका मालिक मार मार के उसका बुरा हाल कर देता, कोने में बिठा देगा मार पीट के, इतनी मार खा के इंतजार में रहता है ये मुझे बुलाएगा कब। पता नहीं लोग हैं या नहीं, क्योंकि आप लोगों ने असल में कभी कुत्ता पाला नहीं होगा, पता नहीं होगा, पता नहीं लोग हैं या नहीं। मौला फरमाते हैं जितना मर्जी मालिक मार ले इंतजार में होता है ये बुलाएगा कब, और एक इशारा कर दे मालिक आ जा तो फौरन आ जाता है, पांव में लौटने लगता है, ये नहीं कहता अभी तो तूने इतना मारा था। मौला कहते हैं अल्लाह को वही बंदा पसंद है जिसे अल्लाह परेशानी भेजे शिकवा ना करे के परवरदिगारा तूने दिया था तूने लिया। ईरान के एक बहुत बड़े आयतुल्ला कहने लगे कि मैं कहीं जा रहा था दूसरे शहर, गाड़ी में अपनी ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उन्होंने अपनी किताब में किसी जगह पे लिखा या जहरा उनकी तकरीर में मैंने सुना, तो कहने लगे कि मैं सफर में था तो मैंने ड्राइवर से कहा अभी गाड़ी रोको, गाड़ी रोक दी उसने, वो फौरन नीचे कहीं आपने देखा सब्जा हरियाली होती है वो उतर गए। कहाँ जा रहे हैं? कहा देखने रहे वो दूर एक चरवाहा, चरवाहा समझते ना शेफर्ड, बकरियां चराने वाला, भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा। तो कहा कि भाई ये चरवाहा जो है वो नमाज पढ़ रहा है, अभी अभी अजान हुई है ये नमाज पढ़ रहा है, इससे मिलना चाहता हूं। दौड़ते हुए नीचे उतरे गए, पूछा भाई ये अभी अजान हुई है तुमने फौरन नमाज शुरू कर दी, अव्वल वक्त नमाज कैसे सीखी? देखा कि चरवाहा बिल्कुल अनपढ़ है, इलिटरेट है, लिखना पढ़ना नहीं, कुछ भी नहीं जानता, आलिम फाजिल नहीं था, सादा सा आदमी, गांव का देहाती। कहा ये मैंने अपनी बकरियों से सीखा, तवज्जो, क्या अपनी भेड़ बकरियों से मैंने अव्वल वक्त नमाज सीखी है। कहा भेड़ बकरियों से कैसे सीखी? अजान अभी हुई है तुम फौरन खड़े हो गए। अब हमें तो लोग क्या कुछ टाइटल देते हैं, तो मैं तो अभी मोटरवे पे सफर कर रहा था तुम्हें देख के फौरन गाड़ी रुकवाई, कैसे इस सख्त गर्मी के अंदर तुम यहां खड़े नमाज पढ़ रहे हो? कहा आगा जब रात होती है ना शाम हो जाती है तो मैं एक आवाज देता हूं सीटी बजाता हूं, मेरी भेड़ बकरियों को पहचान है ये मालिक है, मेरी एक आवाज पे सारी भेड़ बकरियां आ जाती हैं, कोई ये नहीं कहती अरे आज तो मैंने घास नहीं चरा, कोई ये नहीं कहते मैंने तो पानी पूरी तरह नहीं पिया था, मैं तो आज बीमार थी। क्या सारी भेड़ बकरियां एक मेरी आवाज पे आ जाती हैं? अरे ये जानवर मुझ नाकिस की एक आवाज पे आ जाए और खालिक है हैया अल सलाम। आपने गौर फरमाया कभी ये एक मेरी आवाज पे सारी भेड़ बकरियां आ जाती हैं, मेरी एक आवाज पे कभी ये नहीं हुआ कि मैं जाके कहूं किसी बकरी से पूछना पड़ा हो
क्या बात है, तू आज क्यों नहीं आई? किसी भेड़ ने आज तक मुझे तलाश करने की मोहलत नहीं दी। कहा ये इतने बरस से मैं बकरियां चरा रहा हूं, इन्होंने कभी नहीं। तो वो तो फिर खालिक है। जैसे ही मुझे मौज़िन की आवाज आती है, मैं कहता हूँ अरे मेरी बकरियां मेरी आवाज पे आ जाती हैं, ये मेरे खालिक ने मुझे बुलाया है। मैंने अव्वल वक्त अपने इन भेड़ बकरियों से सीखा है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जितने पहलुओं को देखेंगे आपको कुछ जानवरों में ऐसी सिफात नजर आएंगी कि वो आपको उस उरूज पे पहुंचा देंगे।